ब्रिटेन के बर्मिंघम में स्थित बड़े संस्थान बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में छात्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर उपलब्ध अलग अलग करियर के अवसरों पर एक मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और फैकल्टी ने संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों और करियर में उन्नति के अवसरों के बारे में जानकारी दी। इस सत्र का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के वैश्विक मानकों और संबंधित अवसरों से सशक्त और सुसज्जित करना था। यह कार्यक्रम मैनेजमेंट शाखा के संभावित छात्रों के लिए बेहद उपयोगी सत्र रहा। इसमें प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर एलिन मैकॉलिफ सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों ने अपने वैश्विक अनुभव के साथ छात्रों को मार्गदर्शन किया। विश्वविद्यालय का परिचय देते हुए प्रोफेसर मैकॉलिफ ने कहा कि BCU एक बड़ा और विविधतापूर्ण संस्थान है जिसमें 100 से ज्यादा देशों के लगभग 31,000 छात्र रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें छात्र को केंद्र में रखते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में सफलता के लिए बेहतरीन अवसर मिलते हैं। अच्छा, तो हेलो एवरीवन, हम लोग बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से हैं एंड लाइक मेरे कुछ कलीग्स ने अभी कुछ देर पहले जब प्रेस इंटरव्यू में कहा, आई थिंक इंडिया हमारी प्राइमरी मार्केट है। एज ए यूनिवर्सिटी आई थिंक वी आर वेरी प्राउड टू बी लाइक वेरी मच अप्लाइड यूनिवर्सिटी। सो हम लोग प्रैक्टिस फोकस करते हैं, इट्स नॉट ओनली जस्ट एकेडमिक। हमारी जो भी लोकल इंडस्ट्रीज है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे जैगुआर लैंड रोवर हो गई, रोल्स रॉयस हो गई, फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें लॉयड्स हो गई, HSBC हो गई, आई थिंक हम लोग काफ़ी क्लोजली उनके साथ काम करते हैं। एंड आई थिंक what important thing is like when we say closely, actually we make sure कि हमारे जो students हैं वो उनको एक experience मिले। Because one thing we always say, yes you can get education कहीं से भी आपको मिल सकती है, but I think what you need is the international experience, the exposure, और जो company के साथ काम करने का एक मौका जो आपको मिलता है, that makes your life difference. And I think and also you build lots of network, जो आप 100+ countries से लोग वहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं, जो आप network आप बनाते हैं वो आपके साथ life long रहती हैं। इंडिया के बच्चों के लिए क्या कुछ संदेश है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और क्या कुछ मोटो है? श्योर, तो लाइक आई सेड कि इंडिया हमारी प्रायोरिटी मार्केट है। आई थिंक मेरे कलीग रॉब ने ऑलरेडी बताया स्कॉलरशिप के बारे में, सो वी हैव ऑटोमेटिक लाइक £2,000 स्कॉलरशिप, वो बेस्ड ऑन आपके मेरिट पे है। तो आई थिंक डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्क्स वी कैन ऑफर। देयर इज आल्सो लाइक आई सेड स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन बर्मिंघम, वहाँ पर लगभग मोर देन 65,000 इंडियंस रहते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन फूड, इफ़ यू टॉक अबाउट इंडियन कल्चर, आप होली सेलिब्रेट करना चाहते हो, आप दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हो, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कितनी सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट रन सोसाइटीज़ हैं जो कि रेगुलरली ये सारे इवेंट्स करती है। ऑन कैंपस में भी आप आके कभी भी आप चिकन बटर चिकन मसाला आप खा सकते हो। सो दैट इज़ वेरी 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 आई थिंक इंटरेस्टिंग। एक यूनिवर्सिटी जिसकी प्रो वाइस चांसलर खुद आ रही है यहाँ तक आपको गाइड करने के लिए, आप समझ सकते हैं जो सपोर्ट आपको मिलेगा UK में जाकर, जब यूनिवर्सिटी पूरी खुद उठ के आई है यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए, जो बच्चों को आई थिंक ढंग से नहीं मिल पाती है। और वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है हर स्टेज पे, कि हर बच्चे को नहीं पता होता है मुझे क्या करना है। किसी को बचपन नहीं पता नहीं होता है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मैं क्या बनूंगा। और अगर वो एक राइट गाइडेंस, एक कोई हाथ पकड़ के आपको लेके जा सके, वो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती है। एंड वही हम करना चाहते हैं थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आगे भी जो हम इवेंट्स कर रहे हैं। अभी 4 दिन के हमारे इवेंट्स हैं, दिल्ली में है, गुजरात में है, हम वही एक करना चाहते हैं और एक बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि यार देखो, ये मत सोचो कि मेरे पास शायद इंडिया में पढ़ने के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फीस स्ट्रक्चर भी आजकल जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में होता है वही फीस स्ट्रक्चर भी है, पर अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा। हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग top 7 आती है UK में एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। आपको अगर जॉब चाहिए, आपको चाहिए मैं लंबा टाइम रह सकूँ, सेटल हो जाऊँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2 साल का स्टे बैक है UK में डिग्री के बाद, काफ़ी कुछ है। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी में क्या कुछ छात्रों के लिए व्यवस्थाएँ रहेंगी? बहुत ज़्यादा हर चीज़, आपकी सबसे पहले तो आपकी जर्नी यहाँ से लेके वहाँ तक की बहुत इजी। हमारी एक पूरी इंडिया की टीम है जिसको मैं लीड कर रही हूँ, अबाउट 9 पीपल इन इंडिया जो आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे। एक बार आप पहुँचते हैं UK, आप पहुँचते हैं कैंपस पे, एकेडमिक्स जैसे आपने उनसे सुना, आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे, 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, वेल थैंक यू फॉर दैट। माय नेम इज़ डॉक्टर ब्रूस फिल्प। आई हैव वर्क्ड एट बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी फॉर अबाउट 10 इयर्स। माय करंट रोल इज़ आई एम हेड ऑफ द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैज एन एक्साइटिंग रेंज ऑफ कोर्सेज। We have programs that are like international MBA, which resonate very strongly with the Indian market. We also have an MSc management suite that's got 4 pathways. So we have an MSc management and international business program, MSc management and entrepreneurship program,
MSc Management and Finance program and an MSc Management and Marketing program. So exciting range of programs. NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट.